किसान और सड़क पर बिखरे प्याज, कमलनाथ सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी की तस्वीर है। किसानों में इस गुस्से का कारण कर्ज माफी और फसल के सही दाम ना मिलना है। कमलनाथ सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा किस तरह फूटा, इसका नजारा शनिवार को इंदौर में कलेक्ट्रेट के बाहर देखने को मिला, जहां किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों के इस प्रदर्शन को बीजेपी ने समर्थन देते हुए धिक्कार आंदोलन का नाम दिया है। किसानों ने प्याज का सही दाम ना मिलने का आरोप लगाते हुए प्याज की फसल को सड़क पर डालकर उस पर ट्रैक्टर चला दिया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का साथ देने राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर 200 रुपए से ज्यादा का बिजली बिल आए तो मत भरो, और अगर बिजली के तार काट दिए जाएं तो बीजेपी वाले छोड़ देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी कमलनाथ सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि एमपी में 15 साल बाद कांग्रेस किसानों के बूते ही सत्ता में आई थी। ऐसे में देखना होगा कि कमलनाथ सरकार किस तरह किसानों की नाराजगी से निपटती है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।